बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे राधे। दोस्तों मैं आ गया हूँ ब्रजभूमि वृंदावन में, ठीक है। हर बार की तरह हम आज यहाँ पे 1 से 2 दिन के लिए आए हैं वृंदावन। काफ़ी सारी जगह मैं कवर करने वाला हूँ, बट एक थोड़ा सा चेंज है। हर बार हम नॉर्मल कहीं भी होटल में रुक जाते थे, पर काफ़ी समय से मेरा मन था और मेरी पत्नी जी का भी मन था कि हम एस्कॉन टेम्पल में जो गेस्ट हाउस है वहाँ पर रुके और वहाँ के कीर्तन का आनंद ले। तो हम फाइनली, मैंने 15 दिन पहले बुक कर लिया था एस्कॉन टेम्पल के अंदर गेस्ट हाउस, जो काफ़ी हमेशा फुल रहता है। मैंने 15 दिन पहले उसकी बुकिंग कर ली थी और मुझे फाइनली रूम मिल गया है। तो हमें इस वक्त एस्कॉन टेम्पल के, ये सामने एस्कॉन टेम्पल है, ठीक है। हम गेट नंबर 2 है, यहाँ से एंट्री होती है गेस्ट हाउस की, ठीक है। आप जब भी गेस्ट हाउस बुक करेंगे वो बिल्कुल आप अंदर से भी आ सकते हैं मंदिर के, और अदरवाइज अगर लगेज लेके आ रहे हैं गेट नंबर 2 से अंदर आ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंदर गेस्ट हाउस कैसा है, आइए मेरे साथ। तो ये मैं अंदर आ गया हूँ एस्कॉन टेम्पल गेट नंबर 2 से। तो ये आप देखो, ये है टेम्पल, ये रास्ता टेम्पल को जा रहा है, और ये आपका यहाँ पे है गेस्ट हाउस, ठीक है। तो चलते हैं अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सब कीर्तन करने के लिए दूर दूर से, अलग अलग देश से आपको यहाँ पे लोग देखेंगे। काफ़ी आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल माहौल मिलेगा और काफ़ी अच्छा आपको सराउंडिंग मिलेगी अगर यहाँ पे आप रुकेंगे। किसी होटल के अलावा यहाँ पे आप रुकेंगे तो आपको अलग ही वाइब देखने को मिलती है। ये आपका रिसेप्शन है, जैसे ही आप बुक करेंगे तो यहाँ रिसेप्शन पे आके आपको अपनी बुकिंग दिखानी होगी, ईमेल या वाउचर। यहाँ दिखाने के बाद आप यहाँ लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं। तो ये हम लिफ्ट से निकल के आ गए हैं। ये लॉबी है इनकी, या काफ़ी सारे रूम्स हैं। तो मेरा रूम है 221, ये रहा 221। मेरी माता जी अंदर हैं, पहले ही हमने उन्हें रूम में भेज दिया था ताकि आराम करें वो। राधे राधे, राधे राधे। ये है रूम, काफ़ी डिसेंट रूम है। मैंने इसके लिए 2500 रुपये दिए हैं और 3 लोगों के लिए बुक करा था, तो इन्होंने एक अलग से मैट्रेस भी दिया है मुझे 4 लोगों के हिसाब से। ये डबल बेड है, यहाँ पे एसी भी है और बैठने के लिए सोफ़े हैं। अंदर वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है इनका। ये तीसरे किसी थर्ड के लिए ये अलग से बेड दे रखा है उन्होंने, और उसके अलावा यहाँ पर एक बालकनी भी है। ये बालकनी है, तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा रूम है ये, मतलब डिसेंट। वृंदावन में अगर आप और किसी रेट पे देखने जाएंगे रूम तो आपको 2500-3000 से कम कुछ नहीं मिलेगा 3-4 लोगों के लिए। तो उस प्राइस में काफ़ी अच्छी जगह पे ये मिल रहा है, तो आप इसे बुक कर सकते हैं एस्कॉन टेम्पल की वेबसाइट से। तो गूगल पे आप इसको सर्च करने के लिए सबसे पहले टाइप करेंगे एस्कॉन टेम्पल, वृंदावन एकोमोडेशंस। आप इसे टाइप करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट्स में देखेंगे तो आपको इनकी वेबसाइट दिखेगी। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप ये वेबसाइट पे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एकोमोडेशन एस्कॉन वृंदावन, आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा, वेबसाइट खुल के आ जाएगी, और इससे आप विद इन द टेम्पल, टेम्पल के अंदर जो एस्कॉन टेम्पल के अंदर बैक साइड पर जो स्टे है वो आप बुक कर सकते हैं, जो उनकी गेस्ट हाउस है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन रूम बुकिंग पे, उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 16 मई से 17 मई, उसके बाद चेक अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर अगर अवेलेबल होंगे रूम्स तो आप को दिख जाएंगे और फिर आप उसको बुक कर सकते हैं अपनी कुछ डिटेल्स डाल के। अभी आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है, मैंने भी 7 डेज़ पहले ही बुक करा था, तो मैं आपको बोलूँगा कम से कम आप 1 वीक लेके चले, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी वेटिंग रहती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा आप कम से कम 7-8 दिन पहले अपनी बुकिंग करके जाए तो आपको यहाँ पर स्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।